हेलो हेलो दोस्तों, अज आए आप एक नवी कहानी दे नाल। ते कहानी एक किसी इलाके का बड़ा वड्डा बादशाह हुंदा सी, इह उहदी कहानी है। ते एक बादशाह सी ते इक उहदा पुत्तर सी। बादशाह दा जिहड़ा पुत्तर सी उहनूं हो गया इक लौंडी नाल प्यार। ते लौंडी गरीब जी घराने दी, मतलब कि बादशाह दे लैवल दी नहीं सी उहदे पुत्तर दे। ते बादशाह नूं पता लग्गिया कि इह शहजादा हो के ते इक लौंडी नाल प्यार करदा है। ते उहने सदाया, उहने आपदे पुत्तर नूं सदाया कि हाँ बई तूं दस इंजे आ गल सच्ची मैनूं पता लग्गा। ते बादशाह दे पुत्तर ने कहा हाँ बस अबा हजूर ये गल सच्ची, तो मैं उस लौंडी ने बड़ा प्यार करना। तो बादशाह ने आख्या जे तू उन्हू छड़े ना तो फिर। तो बादशाह के पुत्र आंदा अबा मैं उन्हू नहीं छड़ सकता, जो कुछ मर्जी हो जाए। तो बादशाह ने उन्हें कहा भी नहीं, तेनू छड़ना पवेगा, नहीं तो मैं तेनू नहीं रखना। तो बादशाह के पुत्र गुस्सा आया, उन्हें कहा अबा मैं तेनू छड़ देना, लौंडी नहीं छड़ना, क्योंकि मैं उन्हें खुद मुहब्बत से प्यार करना। तो बादशाह ने बड़ा गुस्सा आया, बादशाह ने कहा मेरा औलाद मेरा शहजादा हो के एक लौंडी ना प्यार करे तो मेरी गल ना मने। उन्हें वो वजीरा हुक्म दिता कि उन्हें आधे वजीरा तो जलाला कल्या कि इनू इस सल्तनत चु कट दिता जाए मेरे पुत्र। उनका पुत्र गया चला, वो आदि लौंडी ने जिन्हें प्यार करता से शहजादा उन्होंने लैके तो बड़ी दूर, मतलब कि किसी होर मुल्क दे बिच गया चला। तो कुछ अरसा गुजरिया, 10-15 साल या जिन्ना भी है, बादशाह का जिहड़ा पुत्र सी हैगा उनका पुत्र होया। तो वो बड़ा मतलब कि इंटेलीजेंट से जहीन बंदा सी, बड़ा वो कमाल का शहजादा वो भी बनया, क्योंकि शहजादे का पुत्र से बादशाह नहीं पता सी। उनका वो ही पुत्र आया हट के आदे मतलब दादा जान को, उन्होंने कहन लगा कि बादशाह सलामत ऐसा इस तरह थोड़ा एक पुत्र से, तो मैं उनका बेटा वहाँ, तो मैं थोड़े को रहना चाहना, तो आपके बाबा ने सदना है। तो बादशाह ने कहा नहीं, उन्होंने मैं पहले ही मतलब सल्तनत चुकाता से वो इतने इस जुगा इस लायक नहीं था। तो बादशाह के उस पोतरे ने उदो फिर समझाया उन्होंने कि बादशाह यानी मेरे दादा जान, जो तुम मेरी दादी नाल प्यार किया तो वह भी एक गरीब घराने की सी, तो तुम अच्छ बादशाह जे, तो अच्छ मैं भी एक दूसरे वे मुल्क का बादशाह, तो सौदा कर लो मेरे ना जो